मोटिव कुछ भी नहीं है, उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने घर को चले गए थे। मैं हमारे साले जो आजम अली खान है उनको बुला के बोला था, इन्हों कुछ बहके बहके चाले कर रहे थे। अब उन्होंने बोले कि जो है सो मटे की झूठ बोली, उसके वास्ते मैं 100 दिन रोजे रहती हूँ, हालांकि तो 200 लोगों को खाना खिलाओ पर है। मैं बोला ये कैसी बात है ये, तो उनके भाई को बुला के बोला ना कुछ बहके बहके बात कर रहे हैं, नमाज उल्टी पढ़ रहे हैं, क्या हो गया इनकी, आप एक बार देखिए बोलते। ना आके खींच के लेके चले गए बच्चे को। लेके जाने के बाद हम लोग फोन करेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो नहीं करने की सूरत में हम ना मैं उनके चचा कन जाके बात करा कि भाई देखो ये क्या है, मेरे को अपडेट कुछ नहीं मिल रहा। तो आजम अली खान फोन करके मेरे को ये बोले एडवांस काम मत करो ये वो करो बोल के बोल रहे हैं। ना खुद मेरे घर पे आके रात में 2 बजे से, जो मेरे साले के ससुरे है जिनका नाम खालिद खुलेदी है जो डबलपुर के रहने वाले है, उन्होंने आके जो सो मेरे घर के पास 2 या 3 बजे कुछ प्लानिंग करे किसी के साथ आके कि कैसा मारना है क्या करना है उनके क्या साथ। एविडेंस है आपके जी मेरे पास? पास एविडेंस है, उसकी वीडियो है, 2-3 बजे की जो आए थे उसकी भी वीडियो है। और अमान खान बोल के उनके चाचा है, मेरे चाचा ससुरे चाचा ससुरे होते हैं, उन्होंने उनके बच्चों को भेजे, इन्होंने उनके बच्चों को भेजे, सब बच्चे मिलके खानदान वाले मिलके मेरे घर पे, मैं फजर में निकल रहा था, मेरे ऊपर अटैक करे, मेरे ऊपर भूत अटैक करे, घर में घुस के मारे मेरे को। और फिर मैं वो बाहर बाहर निकला तो बाहर भी पकड़ के मारे, उतना लकड़ियां वकड़ियां लेकर सब दिए। फिर मेरी शादी जो है तो 11 जुलाई 2023 में हुई थी, दोनों मेरे साथ फरीम खान मेरे साथ 1 ही महीना रहे, 1 या 1.5 महीना कुछ रहे, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने घर को चले गए उनके भाई के साथ। हम ना डेली उनको फोन कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं क्या हुआ, तबीयत कैसी है, ये वो बोल रहे थे, उन लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अब जैसा ही उन्होंने गए, उसके दूसरे दिन हमारे मम्मी फोन करे, फोन करके उनके वालदा से बात करे, तो उनके वालदा जो बोले उसकी रिकॉर्डिंग आप ये वीडियो के जरिए सुनिए, ब्लेड्स लगे हुए थे रिजर्व ब्लेड्स, और मेरे पास जमर डालने आ आपके रहे थे। सास का स्टेटमेंट में ये कहना था कि आपने सास पर और आपके सालों पर जानलेवा हमला किया, इसके पर आपका क्या कहना है? नहीं, उसका अगर वैसा है तो लोगों कुछ, मैं अगर ऐसा रहता 4-5 जने मिलके लेके आके मारता करता, चाकू इतना बोल रहे हैं ब्लेड चाकू लेके गया, रोडा लेके गया, इन लोगों के ऊपर कुछ भी मार्क का कुछ निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है बात। इतना मेरे घर का ना के प्लानिंग करके मेरे को मारे, मेरे को मारा है, मेरे भाई को होंठ फट गया, इतना रेजर ब्लेड लगा के रहे थे लकड़ी को, मुन्ना खुलेखी खालिद खुलेखी जो है उनके बेटे आए थे लकड़ी लेके, लकड़ी को पूरा रेजर ब्लेड लगे हुए थे उसकी तरफ आपको से। कोई हाँ मारा लगे हो मैडम? संजय मेरे को पूरे पीछे पीठ पे लगे हुए उसके फोटोज है मेरे पास, क्या है आपको? कंप्लेन। हाँ मैं माधाना पेड़ में उसी टाइम जाके कंप्लेन करा, माधाना पेड़ में FIR भी हुई। अभी इसके ऊपर ज्यादा उनके ऊपर चार्जेस नहीं लगे, इंशाल्लाह आगे लग जाएंगे चार्जेस, वीडियो देखने के बाद अभी एविडेंस देना होगा, मेरे तो पास ये एविडेंस है। मतलब आपका और आपके वाइफ का झगड़े का मोटिव क्या था? झगड़े का मोटिव कुछ भी नहीं है, उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने घर को चले गए थे। मैं हमारे साले जो आजम अली खान है उनको बुला के बोला था, इन्हों कुछ बहके बहके चाले कर रहे थे। अब उन्होंने बोले कि जो है सो मटे की झूठ बोली, उसके वास्ते मैं 100 दिन रोजे रहती हूँ, हालांकि तो 200 लोगों को खाना खिलाओ पर है। मैं बोला ये कैसी बात है ये, तो उनके भाई को बुला के बोला ना कुछ बहके बहके बात कर रहे हैं, नमाज उल्टी पढ़ रहे हैं, क्या हो गया इनकी, आप एक बार देखिए बोलते। ना आके खींच के लेके चले गए बच्चे को। लेके जाने के बाद हम लोग फोन करेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो नहीं करने की सूरत में हम ना मैं उनके चचा कन जाके बात करा कि भाई देखो ये क्या है, मेरे को अपडेट कुछ नहीं मिल रहा। तो आजम अली खान फोन करके मेरे को ये बोले एडवांस काम मत करो ये वो बोल के, बड़ों में बात हुई हम लोग का, बड़ों में बात हुई तो खालिद सुलेदी जो डबलपुरे के रहने वाले साले के ससुरे, उन्होंने आके बोले कि जो है तो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, कई इल्जाम लगाए, ड्रग्स लेता हूँ ये बोलते। मैं बोला मेरा ड्रग्स का टेस्ट करा लो आप, अभी मेडिकल साइंस से करा सकते थे, मैं PF में भी वो बोला कि मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो आप। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं नहीं टेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं कराते, ना आप जो है सो पैसे दे दो हम लोग को, 6 लाख रुपए दिए उतने पैसे दिए। बोला मैं प्रूफ देने रेडी हूँ, तो भी फिर भी पैसे पूछते जा रहे थे उन्होंने, अगर पैसे नहीं देंगे तो खून खराबा हो जाएगा। बोले हालत सुले दी किसको किसको की ले गए थे, खून खराबा हो जाता है वो बोल के बात करे थे। तो मैं क्या करा, कंप्लेन करा मैं माधाना पेट PS में, बालापुर PS में, ये कंप्लेन है पूरे मेरे पास, हुआ मेरे पर अटैक होने वाला है, उन्होंने धमकियां दिए, और जो है सो बच्ची की तबीयत सही नहीं है, बच्ची को MLC को भिजवा बोल के बोला। तो मेरे को फर्स्ट बालापुर में बुलाए, बालापुर में बुला के SI बोले काउंसलिंग करने ला नहीं, नहीं नहीं बच्ची की तबीयत खराब है ना नहीं ला सकते, ये बोल के बहाने बना के लेके चले गए। तो फिर बालापुर SI क्या करे, मैं बिना मेरी परमिशन के मेरी कंप्लेन मेरी जो पिटिशन थी क्लोज कर दिए। तो मैं कंप्लेन क्लोज होने की तरफ से मैं ACP को कंप्लेन दिया कि मेरी पिटिशन बिना मेरी परमिशन के क्लोज हुई, उसका मेरे पास एविडेंस भी है। उसके बाद उन्होंने क्या करे, वुमेन्स PS अप्रोच करके WPS में डाउरी केस करे।
13 ऑफ फरवरी को कंप्लेन करे, हालांकि उन्होंने लेकिन अगस्त से निरहर है, तो उन्होंने जब से जनवरी तक मैं कंप्लेन कर तक सो रहे थे क्या इतने दिनों से। तो आपके घर वाले और आपके ससुराल में कोई बातचीत बड़ों के बीच में नहीं? नहीं, बड़ों के बीच में हुई तो यही बोले मेरे पर इल्जाम लगाए कि बहुत कई सारे इल्जाम लगाए जो नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो इल्जाम लगाए कि जो है तो मैं हर चीज के लिए रेडी था कि मेरा टेस्ट करा लो हर चीज है, तो नहीं पैसे होना हमारे को नाखून खराबा कर देते बोलते बड़ों में भी एक बात करें ना के। तो उसके बाद भी फिर मैं पैसे उनको थोड़े बहुत ठीक है भाई ये आप उतना बोले दे दो बोलते, मैं देने रेडी हुआ था उतना बोले इतने होना बोलते बढ़ाते गए पैसे इतने नहीं उतने नहीं बोलते बढ़ाते गए। ये प्रेस मीट का मकसद ये है मेरा कि मेरे को अभी भी जान का धोखा है आजम अली खान से और उनके कजन जो है इंतमाम है और शहबाज है और खालिद फुलेदी के बेटे है खालिद फुलेदी है, अभी भी मेरे घर के पास फिर रहे कर रहे हैं, अभी भी मेरे को मारने करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब भी मेरे को गनेट डालने की प्लानिंग कर रहे थे ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बच गया हमें। तो अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मैं ऑलरेडी बोला था शुरू में ही जनवरी में बोला था लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए या प्रोटेक्शन नहीं मिली मेरे को, इसलिए आज मेरे को अटैक हुआ, कल के दिन फिर मेरे पर कुछ अटैक होगा, तो मैं इसके लिए यही बोलना चाह रहा हूँ पुलिस समाधानाबाद पुलिस स्टेशन से कमिश्नर से और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन से यही मेरे को बोलना रिक्वेस्ट है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि कभी भी मेरे पर अटैक हो सकता, मेरे वालदा घर पे भी घुसते ना मार सकते, घर में घुसते ही मारे ऑलरेडी, मेरे पापा की शॉप है ओल्ड एज है उनके ऊपर भी अटैक हो सकता, मेरे भाई के ऊपर भी अटैक हुआ, तो मेरा यही कहना है रिक्वेस्ट है पुलिस से कि मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए।